हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और उसमें कैसे कंडीशन अचीव होती है कैपेसिटर्स के लिए वो चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये पूरा वीडियो देखिए। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट जेई के लिए बिल्कुल सफिशेंट है, और बहुत ही सरल भाषा में मैं फिजिक्स आपको बताने वाला हूँ। एक बात बस आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको आपको सीक्वेंस में या सीरियल वाइज में देखना है, जिससे हर कॉन्सेप्ट परत दर परत इजी लैंग्वेज में आपकी समझ में आ जाए। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। और जैसा इसमें देखिए टाइटल या हेडिंग पड़ी हुई है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर कैपेसिटर्स, बताना यही है। लेकिन मैं अभी एक जनरल फिगर बना रहा हूँ कुछ कैपेसिटर्स के साथ, और देखता हूँ उसमें कैसे आप पहुँचेंगे वहाँ पर। ये दो कैपेसिटर हैं, दो क्या बेसिकली चार हैं। ये इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन दिया है, साथ में एक बैटरी लगा दीजिए इसके। ये मैंने एक बैटरी या सेल लगा दिया है। ये कॉन्फ़िगरेशन, इसके कुछ नाम दे देते हैं। इसको मैं कह रहा हूँ C1, C2, इसको कह दो C3, इसको कह दो C4। बैटरी की कुछ वैल्यू है, यानी पोटेंशियल V ऑफर कर रहा है। ये दो पॉइंट ले लो, जब डिस्कशंस होगा तो बताने के लिए आसान पड़ेगा कि किस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा दो पॉइंट और लेंगे, उसका कलर में चेंज करता हूँ। यहाँ का पॉइंट एक P ले लेता हूँ और यहाँ का पॉइंट एक Q ले लेता हूँ साहब। ये बात एक अरेंजमेंट है जो मेरे ख्याल से कैमरे में पूरा आ रहा होगा और आपको दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल अक्रॉस C1, मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। तो हमें बड़ी आसानी से मालूम है कि अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल V1 है इसके अक्रॉस, तो वो कैसे अचीव होगा, वो कैसे आ सकता है। जो यहाँ का पोटेंशियल है यानी VA, इसमें से अगर VP वाला पोटेंशियल मैं घटा दूं तो क्या निकल आएगा, C1 वाला पोटेंशियल। यानी VA में से VP अगर मैं घटा दूं तो मुझे क्या अचीव हो जाना चाहिए, C1 के क्रॉस मिलने वाला पोटेंशियल। बहुत अच्छी बात। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए थोड़ा सा और मुझे समझाना होगा। जैसे मैं इसके नीचे करता हूं या मैं साइड में करता हूं उधर, और फिर वापस यहां आ जाएंगे हम लोग जब आप समझ जाएंगे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी बात समझिए कि सपोज करिए दो कैपेसिटर लगे हुए हैं C1 C2 कैपेसिटेंस के, एक बैटरी के साथ। एक बैटरी V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका C1 कैपेसिटेंस, इसका C2 कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल ले लेते हैं V1 और इसका V2। मैं V1 V2 को निकालना चाहते हैं V के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, देखिए ये क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो बराबर ही निकल जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको। इसके लिए अगर V1 लिखें तो V1 को क्या लिखेंगे, Q1 यानी Q अपॉन C1। और इसी तरह मैं V2 का जिक्र करूं तो इसको लिख सकते हो Q अपॉन C2। आप समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से। और एक कॉन्फ़िगरेशन हमें मालूम है यहाँ कि अगर मैं इनके दोनों को पोटेंशियल को ऐड कर दूँ तो ये क्या मिलने वाला है हमको, V मिलने वाला है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, मैं सीधे यहाँ V1 V2 नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पर हम दोनों लोग इसको V1 अपॉन V2 कर लेते हैं, इसे Q को हटा दें। तो यहाँ पर जब लिखोगे तो Q1 अपॉन C1 और यहाँ लिखोगे तो Q2 अपॉन C2 लिख दोगे। ये Q हो गया कैंसिल, आ गया C2 अपॉन C1। तो एक रिलेशन है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C2, पोटेंशियल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल है, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C। देख पा रहे हैं आप, V1 ऊपर है तो क्रॉस में C1 इधर है, V2 इधर है तो C2 इधर है। अब यहां से मैं वैल्यू इसमें पुट करूंगा। मान लीजिए मैं V1 चाहिए तो मैं यहां से V2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, थोड़ा और शिफ्ट करता हूं, आप समझ जाएंगे तो वापस आ जाएंगे हम लोग। यहां से मैं निकाल रहा हूं V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1, तो क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C2 इंटू V1। कुछ नहीं किया है, यहां से V2 निकाल लिया, V2 इधर, ये इधर। इस V2 को V1 के फॉर्म में इसमें पुट करेंगे हम लोग। बहुत ही आसानी से देखिए क्या आने वाला है, यहां पर लिखा V1 और इस V2 की जगह लिखा C1 अपॉन C2 इंटू V1 इज इक्वल टू V। कॉमन ले लीजिए V1,
यहां बन जाएगा C1 वन प्लस सी टू अपॉन सी टू दैट इज वी। यानी देखिए V1 का पोटेंशियल हमारा क्या आ गया, C2 टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इन टू वी, यही निकालना था। यानी हम V1 पोटेंशियल को कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस C2 टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, और ये टोटल पोटेंशियल, बात पकड़ में आती है। इसी तरीके से जब V2 निकालोगे, मैं किसी और कलर से मेंशन करूंगा, यहां पर निकाल लेते हैं, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर आ जाएगा C1 और नीचे C1 प्लस C2 ही रहेगा इंटू V। तो एक ये वैल्यू दिख रही है, एक ये दिख रही है। ध्यान क्या रखना है कि V1 जब रहेगा तो यहां देखना C2 है, नीचे C1 प्लस C2, ये V1 के टर्म में C2 और V2 के टर्म में C1, इतनी बात ध्यान रखनी है। बात आपकी समझ में आ गई, इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको नोट भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है कि V1, V2, C और टोटल V के टर्म्स में क्या निकाला जा सकता है। अब इसको मैं इस्तेमाल करने के लिए इधर लेके आता हूं। अब यहां पर ये बात आप समझ गए हैं, तो यहां पर मैं अब इस V1 को रेड कलर से लिखना चाहूंगा। V1 को C1 C2 के फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल। ये पोटेंशियल है, देखिए इन दोनों पर इसके लिए तो अरेंजमेंट भाई V इसका है तो इसका भी पूरे का भी, इसका भी पूरे का भी, दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होते हैं। तो जो मैंने आपको बताया वही यहां पे इस्तेमाल कर लिया, V1 की वैल्यू हम आराम से निकाल पाए। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, पोटेंशियल जो V3 पर मिलने वाला है उसको कैलकुलेट करता हूं। तो अब लिख रहा हूं कलर चेंज करते हुए, पोटेंशियल अक्रॉस C3, C3 के अक्रॉस पोटेंशियल ले रहे हैं जिसको मैं V3 कह रहा हूं, और V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस VQ, VQ कहने का मतलब यहां की बात कर रहा हूं, तो VA माइनस VQ, बच्चों समझ में आ रहा है। अब इसी टर्म पर जैसे मैंने ये लिखा था वैसे ही यहां लिखता हूं, तो V3 है तो यहां आ जाएगा V4 कह रहा हूं C4, इसको थोड़ा सा मिटाना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, तो खैर यहां पर वैल्यू हो गई C4, किसी और कलर से लिखो तो ज्यादा वाइब्रेंसी आएगी, आप ज्यादा पकड़ पाएंगे। यहां बात करूं तो मुझे लिखना चाहिए C4 अपॉन C3 प्लस C4 इंटू V। ये देखिए लिख दिया, कुछ नहीं, आपको पूरा लॉजिक मैंने कहां से निकला वो समझा दिया। अब ये देखिए V3 और V1 निकाल दिया। अब हम सपोज करें कि P और Q का पोटेंशियल अगर हमको सेम करना है, P और Q का, तो P का पोटेंशियल क्या होगा, भाई V1 तो घटने के बाद VP निकाला है, तो दोनों के पोटेंशियल के लिए मुझे इन दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर देना होगा। देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, अगर मैं ये बोलूं थोड़ा सा ऊपर करो कि किस कंडीशन में वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, we want to find out the condition when the potential of P and Q will be equal। कहने का मैथमेटिकली सिंपल सी बात है कि VP और VQ हम इक्वल चाहते हैं। तो VP एंड VQ निकलने का मतलब क्या हुआ, ये देखिए VA माइनस VP, इस पे जो ड्रॉप हुआ है बाकी टोटल पोटेंशियल सेम था। अगर इनको हमें सेम पोटेंशियल पे लेना है तो हमारा जो V1 है ड्रॉप और V3 ड्रॉप है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि यहां का पोटेंशियल तो दोनों के लिए बराबर है, जितना ये घटा उतना ही इसको घटना होगा तभी तो VP VQ मिलेगा। अगर ये 5 है तो इसको भी 5 होना होगा, तभी तो 10 में से 5 घट के 5 मिलेगा यहां। खैर अब यहां पर मैं V1 और V3 को इक्वेट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा और ऊपर करते हुए इस बात को समझते हुए, हमारा V1 और V3 हमारा इक्वल होना चाहिए। V1 क्या था, अब देखिए यहां से ये था C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V मस्ट बी इक्वल टू V3, जो कि था C4 अपॉन C3 प्लस C4 इंटू V। अब इसको और ऊपर लेके जाते हैं हम लोग, और यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये V और V तो साफ कट गया है। ठीक, अब थोड़ा इसको
सॉल्व कर लेते हैं तो ये बचा C2C3 प्लस C2C4 और इसको बल्कि सॉल्व करने में ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं हम लोग, क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसका पलट देते हैं। तो लिख दी, ये था C1, तो लिख दीजिए C1 प्लस C2 अपॉन C2, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, C3 प्लस C4 अपॉन C4। अब आप जान पाए देखिए यहाँ पर, यहाँ वैल्यू क्या हुई, C2 को डिवाइड मार दीजिए अलग अलग, तो C1 अपॉन C2 प्लस C2 अपॉन C2, फिर C3 अपॉन C4 प्लस C4 अपॉन C4। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं वो वैल्यू क्या बन गई, C1 अपॉन C2 प्लस 1, फिर C3 अपॉन C4 प्लस 1। अब यहाँ से ये प्लस 1 फिर से कट गया, तो वैल्यू क्या आई, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। ये कंडीशन अगर हमारी आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, सुनिए अभी कहानी, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है। अगर C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, देखिए इसको पलट के भी लिख सकते हो, कोई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं डर के मारे कि सर ये सही है कि गलत है कि क्या है। देखिए यहाँ पर जब बोला जाता ना C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, तो मैथमेटिकली चाहे इसको क्रॉस कर ले C3 अपॉन C2 अपॉन C4, ये भी सही है भाई, C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4 या C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, बात बराबर है, तो इसमें घबराना नहीं कहीं ये लिखा देखे या लिखा देखे। इसका मतलब क्या, ये कंडीशन जब हुई कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यानी इसके बीच में कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा अगर होने का रास्ता उपलब्ध भी है। मतलब अगर मैं यहां पर एक पांचवें नंबर का कैपेसिटेंस लगा दूं, कैपेसिटर लगा दूं C5, तो क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का अगर ये कंडीशन मीट आउट हो रही है ये कंडीशन, तो इस C5 पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है और चार्ज मूव ही तभी करते हैं जब देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर चार्ज इस पे आएगा ही नहीं तो C5 का इस सर्किट में होना या ना होना बराबर है भाई, जब उसका कोई योगदान ही नहीं है तो वो है या नहीं है कोई मतलब नहीं। तो इसके आप ये समझ लीजिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे ही बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में ये ब्रिज नुमा हो गया ना, ये देखिए दो हो गए और बीच में ब्रिजिंग हो गई। बैलेंस्ड कब बोलते हैं, जब ये कंडीशन अचीव होती है, तो बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप करंट्स के लिए उसके लिए और पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर टू में कैपेसिटर्स के लिए भी लगता है, ये बात पकड़ में आ रही है। तो अगर इन दो पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाए, कैसे बराबर होगा ये कंडीशन होने के बाद, तो इनके बीच में कोई भी कैपेसिटर अगर लगा है तो वो किसी काम का नहीं है, उसको आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं सिस्टम से। क्यों, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ये अरेंजमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड होने का मतलब ये कंडीशन लगी हुई होनी। तो मेरे ख्याल से ये आप कुछ हद तक समझ गए हैं। अब ये जो कंडीशन है ना व्हीटस्टोन ब्रिज की, इसके दो तीन फोटो और बनते हैं भाई एग्जामिनेशन के लिए, जैसे बात पकड़ पाए। एक तो ये सिंपल फोटो आपको दिख रहा है, अब यही फोटो मैं एकदम नीचे जाऊंगा, अब तो मैं इसको इधर ले आता हूं। अब कुछ फोटोग्राफ्स बना के दिखा देता हूं आपको जो इसी फोटो के बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं, लेकिन अलग डिजाइन से दिखते हैं, तो कभी कभी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का एक और फोटोग्राफ, ये कैपेसिटर अभी पूरा बनेगा तो आपकी समझ में आएगा, दो हो गए और तीसरा तीन बना दो इस लाइन में। आप भी इस तरह याद कर सकते हैं कि एक लाइन में तीन कैपेसिटर हो गए, एक कैपेसिटर यहां से निकालना है, ये रहा और ये कनेक्ट होगा जाके यहां पर, अभी पॉइंट का नाम दे देंगे, दूसरा आपको कनेक्ट करना है यहां से और वो जाके कनेक्ट होगा यहां पर। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, इसको नाम दे सकते हो ए बी, और इसको सी बोल सकते हो, इसको डी बोल सकते हो, बाकी सी वन सी टू सी थ्री सी फोर कहना है तो आप किसी को सी वन सी टू कहना शुरू कर दीजिए। ये हो गया साहब सी वन, कट ना रहा हो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं,
तो ये वैल्यू उसको C2 लिख दी, ये C1 हो गया, इसको C2 कह दो, ये C3 कह दो, इसे C4 कह दो, इसे C5 कह दो। ये वीट स्टोन ब्रिज ही है, इसको अगर तोड़ के मरोड़ के पेश करें तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर बनता है। फोटोग्राफ समझते रहिए, ये देखिए एक कैपेसिटर ऐसे लगा है, एक कैपेसिटर ऐसे लगा है, एक कैपेसिटर ऐसे लगा है, एक इधर, चार लग गए और बीच में कैपेसिटर ऐसे लगा है। ये पॉइंट ले सकते हैं आप ए, इसी को देखते हुए अगर मैं बनाऊं तो ये साहब ए भी रहा। प्लेट्स भी देनी हो तो जैसे सी वन की बात कर रहे थे तो ए से कनेक्टेड था, तो एक छूट जाएगा सी वन आपका। ये देखिए इसको मैं कह दे, अब इन दोनों में से एक सी वन होना चाहिए, इसको मैं सी वन ले रहा हूं, ये सी वन, और जाके किस पॉइंट से मिलेगा, ये डी से। तो ए बी और दो पॉइंट और बनाता हूं, ये अगर मैं इसको डी कह रहा हूं तो इससे दो कैपेसिटर और कनेक्टेड है, एक सी फाइव, ये देखिए एक, और एक ये बीच वाला जो कनेक्ट है, तो एक सी फाइव हो जाएगा और एक सी टू हो जाएगा। तो ये रहा सी टू और ये रहा सी फाइव, और इधर आ गए आप तो ए से कनेक्टेड कौन दो थे, एक सी थ्री भी कनेक्टेड था, तो दिस इज सी थ्री, और सी थ्री का दूसरा वाला कहानी इधर से कनेक्टेड है, और ये बचा, ये हो गया सी फोर। ये देखिए इस तरह से ये सी वन सी टू करके ऐसे ऊपर वाली की फोटो के हिसाब से बना दिया है। जब बैलेंस्ड करेंगे तो सी वन अपॉन सी फाइव मस्ट बी इक्वल टू सी थ्री अपॉन सी फोर, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होगा, तो बीच में ये काम नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ब्रिजिंग बनाई जाती है, और ये मेरे ख्याल से सी फाइव लिखिए यहाँ पर, तो ये बैलेंस करता है, ये उल्टा आपको भ्रम ना हो, इसलिए मैं सी टू वाले को सी फाइव लिख देता हूँ, और ये सी फाइव हो जाएगा, और इसको सी टू कर देता हूँ, तो जो आपको बोलने या बात करने में वही एकदम क्लैरिटी आ जाएगी जो बात की जा रही है। साफ नहीं लिखा है, मैं थोड़ा इसको रेड कलर लेते हुए C2 लिख देता हूँ, और ये C5 था। अब C1, C2, C3, C4 ऐसे ही बन गया जो दिख रहा है। तो ये सब क्या है, वीट स्टोन ब्रिज ऐसा है, इसको याद कर लीजिए, बना के टेस्ट कर लीजिए, इसको तोड़ेंगे ये बन जाएगा। एक और फॉर्मेट आता है वो सबसे सरल वाला, फिर ये और ये, और एक ट्रायंगुलर शेप में आता है। मैं पहले ट्रायंगल ही बना देता हूँ, और उस ट्रायंगल में मैं थोड़ा सा सिस्टम को डाल दूंगा। ये इस तरीके से देखिए एक बन जाता है वीट स्टोन का, इसको एसी कह दिया जो भी कहना है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बीच वाले को मिटाना होगा जो मैं मिटा नहीं पाऊंगा। ये कोई तार नहीं लगा, ये कैपेसिटर ही है, तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे ख्याल से इसके लिए। चलिए एक का तो कर पाया, बाकी में तो आप इसको यही समझिएगा कि कैपेसिटर लगे हुए हैं, तार वार क्रॉस नहीं है। नहीं, आप लोग भ्रमित बहुत तेज़ी से हो जाते हैं कई बच्चे, तो इसलिए कोशिश करता हूं कि रिस्क ना रहे। अब इसको हो गया लगता है, तो ये कुछ ऐसी कहानी है जो आपको दिखाई पड़ रही है ब्रिज के तौर पे। तो ये भी, ये देखिए तोड़ना शुरू करेंगे तो ऐसे ही निकल के आएगा। इस शेप में भी कहानी अगर आ जावे तो आप क्या समझेंगे, सारे के सारे वेरिएंट हैं किसके, वीट स्टोन ब्रिज के, वीट स्टोन ब्रिज के। आपको लिए इसलिए बता दिया कि एक अंदाजा हो जाए कि भाई इस तरह के शेप आएंगे तो मुझे ध्यान देना होगा कि ये वीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, हम बात को समझ सकते हैं। देखिए ए से शुरू हुए सी वन सी टू, दो निकल गए ये, और ये बीच वाला आ गया क्या था, ये सी फाइव हो गया, और इसी किसी को C3 और C4 हम कह दे रहे हैं, समझ लीजिए ऐसे। अब ये AC यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं हो सकता है। खैर, आपको मेरे ख्याल से काम भर का अंदाज़ा मिल गया, और बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज की कहानी भी पता चल गई। एक आधे न्यूमेरिकल हैं जो आपको और क्लैरिटी दे देंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल ये है जहाँ पे बड़ा सिंपल तरीके से पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी आपको दिख ही रहा है, ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अब देखिए जैसे ही आप इसको देखिए ना, एक बार जरूर चेक कीजिए कि ये वीट स्टोन ब्रिज तो है लेकिन बैलेंस्ड तो नहीं है कहीं। तो साहब बैलेंस्ड होने के लिए अगर ये C1, ये C2, इसे C3, ये C4
और इसे C5 कह देते हैं। इसका रेशियो क्या इसके रेशियो के बराबर है? तो आंसर है C1/C2=C3/C4 नजर आ रहा है। C1/C2 की वैल्यू आ रही है 1/2 और C3/C4 की वैल्यू आ रही है अगेन 1/2। तो C1/C2=C3/C4 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज है, बात समझ में आ रही होगी। अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया तो ये जो बीच वाला खिलाड़ी है C5, ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। इसका होना या ना होना औचित्य विहीन है। अब जब ये रहा ही नहीं, सिस्टम से आउट हो गया, तो थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हुए, तो ये फिगर रह क्या गई? ये केवल इतनी रह गई बेटा, देखो ऐसे बची केवल ये, देख पा रहे हैं, ये ए है कहीं और ये बी है, बाकी इधर सब जो भी लगा हुआ है। अब यहां पर ये तो देखो सीरीज में, ये था 1 माइक्रोफेरेड, ये था 2, ये था 2 और ये था 4। अब ये तो देखिए सीरीज में है और ये दोनों आर्म पैरेलल में है। फटाफट निकालेंगे हम लोग इन दोनों का सीरीज का क्या बनेगा। आप जानते ही हैं सीरीज की कहानी में, C1 × C2 यानी 1 × 2/C1+C2, पुराने वीडियो देखें आपको मालूम भी होगा, बन गया 2/3 माइक्रोफेरेड। ऊपर वाली आर्म की बात कर रहा हूँ, नीचे इसको CS1 कह देता हूँ, ये CS1 मतलब ऊपर वाली और CS2 नीचे वाली, तो CS2 कह देता हूँ, ये भी अभी सीरीज में ही है, तो 2 4 खेल रहे हैं, तो 2 × 4/2+4, तो 8/6 यानी 4/3 माइक्रोफेरेड। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हैं। अब CS1 and CS2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में? टोटली पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला जानते ही हैं, नेट टोटल क्या हो गया, CS1 + CS2, दोनों को जोड़ मारेंगे हम लोग, क्या जाता है, यहां वैल्यू हो गई 2/3 माइक्रोफेरेड + 4/3 माइक्रोफेरेड। LCM सेम है, 4 × 2 = 6/3 माइक्रोफेरेड, मतलब 2 माइक्रोफेरेड इसका आंसर आ गया। तो इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है बेटा वो कितना है, 2 माइक्रोफेरेड। इसको नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में बिल्कुल टहलते हुए आते हैं। और क्या लॉजिक है, सारा मैंने आपको प्यारे प्यार से बना दिया अच्छी खासी रंगीन फोटो दिखाते हुए। तो ये नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए और इसको नोट कर मारिए, फिर आगे सवाल करते हैं। और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ भी आप वीडियो पॉज कर लें और इसको नोट डाउन कर लें। मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। अब अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये है वही, बस घुमा घुमा के पूछेंगे और कुछ थोड़ी है। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी देयर विल बी नो चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। 5 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर कहां है, ये है देखिए, ये है 5 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर। कौन सी सी की वैल्यू हम ले यहां पर जिससे 5 माइक्रोफेरेड पर कुछ भी चार्ज उपलब्ध ना हो। कहने का ये मतलब है कि ये देखिए ब्रिजिंग है ना टोटल, तो ये रेशियो दिस इज टू टोटल दिस, दिस इज टू दिस अगर बराबर हो जाएगा तो ये बैलेंस्ड वी टू स्टोन ब्रिज हो जाएगा और तब 5 माइक्रोफेरेड पे कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए ये दोनों तो पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा ये समझ लेते हैं। पैरेलल की कहानी में आप CP लिख देता हूं जिसका हो जाएगा C1 + C2 C + 4, समझ पाए ना, C + 4 हो गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये बैलेंस्ड करानी है तो इसका रेशियो C1/C2=C3/C4, 1 माइक्रोफेरेड / C + 4=6 माइक्रोफेरेड / 48 माइक्रोफेरेड। अगर ये सिचुएशन हम कायम कर दें, माइक्रोफेरेड सब है तो सब उड़ जाएगा, तो वैल्यू क्या रही, 6 × 6 = 48, C + 4=8, आप देख पा रहे हैं, तो C की वैल्यू हो गई 4 माइक्रोफेरेड।
यानी अगर हम, यही आंसर हो गया बस, अगर हम सी 4 माइक्रोफेरेड लगा दें, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस पूछा था इन्होंने, सी हम 4 माइक्रोफेरेड लगा दें तो बस काम खत्म, इस वाले पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पा रहे होंगे जो मैं आपसे कन्वे करना चाह रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल और लगाते हैं जिससे और स्ट्रेंथन हो जाए हमारा कॉन्सेप्ट। आइए तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, और ये रहा वो क्वेश्चन। जैसा मैंने बताया था कि तरह तरह के व्हीट स्टोन ब्रिज रहते हैं, मैंने अक्सर जो पूछे जाते हैं 90% केसेस में, वो यही सवाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में से आएगा। खैर, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए कहाँ है? ये ए और बी। देखिए हमने नीचे इधर बनाया था, इन्होंने इधर बना दिया, इसमें क्या जाता है? फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, जितने कैपेसिटर लगे सब सीसी के लगे। तो ये है, ये बिल्कुल दिख रहा है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इसको मैं तोड़ के सरल डायग्राम बनाता हूं आपके लिए पहले, है ना। तो पहले सबका नाम देना होगा, मैं इसको बोल देता हूं C1, अभी बोले दे रहा हूं, बाकी देखूंगा कौन कहां जाता है। C2, C3, C4 और C5, ठीक। अब मैं प्लेट्स का भी नाम दे रहा हूं जिससे कि आपको समझाने में मुझे बहुत आसानी हो। तो ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, प्लेट मतलब इसकी बात कर रहे हैं। अब जब बनाने जाएंगे ना तो बहुत प्रेम से बन जाएगा, देखते हैं हम लोग कितना प्रेम दिखाता है ये। तो शुरू करते हैं बनाना, ए से शुरू करते हैं। ये ए पर पहुंचे, ये रहा ए, कुछ नहीं करना, बड़े प्यार से बना दो। ये ए से, यहां से देखिए दो आर्म निकली हैं, तो मैं दो आर्म चुपचाप निकाल देता हूं, करूंगा क्या, एक निकली है इस कैपेसिटर की जिसका नाम है C1, प्लेट 1 अटैच है इससे, प्लेट 2 बाजू में है, एक और निकाल दो, ये 9वीं नंबर इससे अटैच है, 10वीं बाजू में है, और इसका नाम था C3, बन गया, कुछ भी नहीं। अब यहां पर पहुंचे 2 से पी पर, एक पी पॉइंट बनाना होगा जहां से 3 लोग मिल रहे हैं, ठीक। व्हीट स्टोन ब्रिज में 3 लोग कहां मिलते हैं? बीच वाले पॉइंट, क्योंकि पी 2 से भी कनेक्टेड है, तो मैं यहां बना रहा हूं पी, देखिए पी 2 से कनेक्टेड है, पी 2 से कनेक्टेड है, और एक 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 खिलाड़ी और कनेक्टेड है 5, जो बी पर जा रहा है, बी बनाता हूं यहां। तो पी और बी में, पी और बी में नंबर 5 प्लेट और 6 प्लेट आ गई है जिसको C4 बोला जा रहा है। पकड़ में आ रही ना, ऐसे नंबरिंग करोगे तो दिमाग पकड़ता है नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब 10 नंबर प्लेट पे आ जाओ, 10 नंबर प्लेट हमने कौन सी नंबर दी है, कहां है भाई, ये है 10 वाला क्यू पर है, तो एक आ जाओ यहां पर क्यू पर, पहुंच गए। अब क्यू से एक प्लेट है जो बी जाती है 8-7 वाली, बी जाती है 8-7 वाली, और इस कैपेसिटर का नाम क्या था? C5। बहुत सुंदर तरीके से काम हो रहा है भाई। अब क्यूब में एक और जाती है 4-3 जो पी पर जाती है, तो ये रही 4 और 3 प्लेट संख्या, प्लेटफॉर्म नंबर 3, ऐसे कर ट्रेन आती है ना, ये C2 भाई लिख दो कहीं। इससे मत घबराना कि C1 यहां है तो C2 यहां है, अरे ये तो नाम दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर है किसको C1 किसको C2 कहना है। मुद्दा ये है कि दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस, बात समझ रहे हो ना, C1 C2 कोई हो तो वो तो आप नाम दे रहे हो, वेरिएबल कोई चूज कर सकते हो, कोई मनाही थोड़ी रहती है उसकी। खैर, ये C1 C2 C3 C4 जो कुछ भी था सब यहां पर C था, तो ये भी है C, और अब तो दिख ही गया भाई कि ये तो बैलेंस्ड है, क्योंकि दिस अपॉन दिस C/C इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस C/C, और ये 1 के बराबर है। तो ये कैसा ब्रिज है? बैलेंस्ड, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बहुत ही मक्खन एकदम, है ना, गलत कैसे होगा ब्रिज, देखिए कितना सरल है, हो गया काम खत्म। अब अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये C2 बेचारा चला गया ये C2 हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में इस पे तो चार्ज आते ही नहीं है, ये है या नहीं है सिस्टम में, सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो। तो ये सिंपल सर्किट ऊपर और नीचे वाला बचा, अभी मैंने बनाया था, अब मैं यहीं कहीं बनाना चाह रहा हूँ।
अब ये सर्किट कैसे बना, ये देखिए सिंपल सा ऐसा सर्किट मिला आपको बस। अब आप जान ही रहे हैं ये सब सी 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 है, ऊपर वाला सीरीज में है तो सी बाई टू हो जाएगा। सी बाई टू कैसे हो जाएगा, वन अपॉन सी करके जोड़ते हो ना सी वन सी टू, तो सी और सी जब सीरीज में होता है तो सी बाई टू हो जाएगा। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूं और चाहो तो फॉर्मूला लगा लो कि सी एस वन, जैसे मैं पिछले सवाल में एस वन बोला था इसको सी एस टू, तो सी वन इंटू सी टू अपॉन सी प्लस सी, सी स्क्वायर अपॉन टू सी मतलब सी बाई टू। इसी तरह नीचे वाले का भी सी बाई टू, तो ऊपर आ गया सी बाई टू और यही नीचे आ गया सी बाई टू, ये सी बाई टू और ये सी बाई टू पैरेलल में है, तो सी नेट या सी इक्विवेलेंट कितना आया पैरेलल में, दोनों जुड़ जाते हैं, तो आप इसको सी बाई टू और सी बाई टू को ऐड कर दें तो फाइनल आंसर क्या हो गया सी, तो आंसर इज सी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आ रहा है नीट में टहलता हुआ आ रहा है जो कि आता रहता है, तो आपसे पूछेंगे इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, तो बताइए क्या, बता दीजिए उसको। अब इसको जो है आप नोट कर डालिए, क्या बोलेंगे, पॉज करिए वीडियो को और छापिए धकाधक। खैर बढ़िया, नोट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, और उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ भी पॉज करिए और नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बहुत ही सुंदर तरीके से क्लियर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कॉन्सेप्ट लर्निंग जबरदस्त दे रहा होगा बहुत ही सरल भाषा में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में एकदम तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं बहुत इस पर हार्डवर्क कर रहा हूं आपके लिए, आप तो अपने लिए कर ही रहे हैं। तो ये हार्डवर्क आपको और हमारा तभी सफल होगा जब आप इस बात को समझ के अच्छे नंबर तो लाएंगे ही लाएंगे, बाकी आप पढ़ के एक्साइट हो जाएंगे, अरे कितना आसान लग रहा है आपको, मजा तभी है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।